स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर विच इज़ फॉर स्पेशली फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। एंड आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेरिकोज वेन्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंड चलते हैं सबसे पहले अपने डेफिनेशन की तरफ। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि वेरिकोज वेन आर एनलार्ज्ड स्वेलन एंड ट्विस्टिंग वेन्स ऑफन अपियरिंग ब्लू और डार्क पर्पल। दे हैपन वैन फॉल्टी वॉल्व्स इन द वैन अलाउ ब्लड फ्लो इन द रॉन्ग डायरेक्शन और टू पूल। More than 23% of all adults are thought to be affected by varicose veins. Okay, so varicose veins क्या होता है? जो आपकी veins होती हैं पैरों में, जो आपकी veins होती हैं वो उसमें क्या होता है कि वो swell हो जाती है। आपकी veins क्या होगी? swell हो जाएंगी, enlarge हो जाएंगी and twist हो जाएंगी, means मुड़ जाएंगी। and आपको फिर क्या होगा कि आपको बाहर से भी, स्किन के बाहर से भी आपकी veins ऐसे उभरी हुई और ट्विस्टेड एंड डार्क कलर की एंड मोटी मोटी सी वेंस जो है दिखाई देती हैं। एंड क्या हो जाता है कि रॉन्ग डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने लग जाता है, मीन्स जो हमारे वेंस होती है ना उसमें वाल्व्स होते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू। लाइक ये आपकी एक वेन है, ठीक है, यहाँ पर होते हैं वाल्व्स, ऐसे वाल्व्स होते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रेक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है तो ये वाल्व्स कभी तो ओपन हो जाते हैं और कभी क्लोज हो जाते हैं। कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पे ये ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है आपकी अपर बॉडी की डायरेक्शन में या फिर लोअर बॉडी की डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स लोअर बॉडी मतलब हार्ट से आपका ब्लड जो है लोअर बॉडी की तरफ आता है एंड फिर लोअर बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका हार्ट की तरफ जाता है। तो ये जो वाल्व है, इस वाल्व में क्या होगा कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ये वॉल्व के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो वेन्स है वे स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, यही होता है वेरिकोज वेन्स, मीन्स वेन का स्वेल हो जाना, एनलार्ज हो जाना, ट्विस्ट हो जाना एंड अपीयर होना स्किन के बाहर से ही जो है आपकी वेन्स जो है बहुत उभरी हुई मोटी मोटी सी दिखाई देंगी। इवन अब आप टच करेंगे तो आप उसको बहुत ही ईजिली फील कर पाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो वेन्स है ना सेम ऐसा ही पेशेंट को दिखाई देता है, पेशेंट के पैरों में ऐसा ही दिखाई देता है। अगर आपने कभी पेशेंट देखा है, अगर आपके हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगी हो और आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि आपने ऐसा अगर देखा है तो आप समझ सकते हैं कि वेरिकोज वेन का पेशेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, आप इस डायग्राम में जैसा देख रहे हैं सेम ऐसा ही पेशेंट के पैरों में हमें दिखाई देता है। बहुत सारे कॉजेस की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, इसमें जो कॉज लिखा हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इसमें यही बात लिखी हुई है कि जो आपके पैर होते हैं ना वहाँ पर लाइक जो आपके पैर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऐसे वेन होती है। ठीक है, पैरों के अंदर ये आपकी वेन है। सो वेन है, जो वेन के अंदर क्या होता है, ये आपकी वेन है। ठीक है, वेन के अंदर यहाँ पर होते हैं वाल्व। तो जब भी आप चलते हैं तो इन पर क्या पड़ता है, आप जब भी चलेंगे तो इन पर प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने से और फिर जब आप रुक जाएंगे, पैर उठाएंगे एक टाइम है ना, एक पर पैर रखते हैं फिर उठाते हैं, तो रिलैक्सेशन होती है एंड कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वाल्व एक बार ओपन हो जाता है एंड एक बार क्लोज हो जाता है। तो जब ये वाल्व ओपन हो जाता है तो आपका ब्लड जो है ऊपर जाने लग जाता है। ठीक है, एंड जब ये वाल्व क्लोज होगा तो क्या होगा, ब्लड फिर यहाँ से बैक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो आपका ब्लड जो है वापस एओर्टा की तरफ सुपीरियर वेना कावा से जो है हार्ट की तरफ जाता है, एओर्टा की तरफ नहीं, सुपीरियर वेना कावा से हार्ट की तरफ जाता है। बट इन दिस डिजीज़ क्या होता है कि ये चीज़ अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, हो सकता है वाल्व क्लोज ना हो। ठीक है, वाल्व क्लोज नहीं होगा तो ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा, मीन्स ब्लड आ तो जाएगा, समझ रहे हैं आप। अगर आपका ये जो डिजीज़, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या है, वाल्व क्लोज नहीं है तो ब्लड क्या है, ब्लड आ तो रहा है, बट अगर वाल्व क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा वेंस के अंदर और जो ब्लड है वो आपका ऊपर नहीं जा पाएगा। बिकॉज ऊपर जाने के लिए इसको प्रेशर चाहिए। प्रेशर कब लगेगा, जब आपका ये जो वाल्व है ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा, तभी तो ब्लड नीचे नहीं आ पाएगा। बट ये जो है क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड नीचे की तरफ यहाँ पर भर जाएगा, है ना, ब्लड यहाँ पर आपका भर जाएगा एंड नहीं जा पाएगा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा। तो जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स है वो स्वेल हो जाएंगी और फिर उभरी उभरी सी दिखाई देंगी, उसमें पेन भी होता है पेशेंट को। सो दिस इज़ द रीज़न
एंड इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे, बिकॉज बॉडी का वेट जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी जो है वेरिकोज वेन्स वाली सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन हो सकता है। नेक्स्ट ओबेसिटी, जैसे कि मैंने बताया एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वेट जो है गेन हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड अनदर रीज़न, किसी और रीज़न की वजह से ओबेसिटी होना, दैट विल ऑल्सो लीड वेरिकोज वेन्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन है बहुत लंबे समय तक खड़े होकर के काम करता है, ठीक है, या फिर बहुत लंबे समय तक बैठे रहता है, बैठ के काम करता है पैरों को लटका के, तो क्या होगा उस टाइम पे भी ये डिजीज़ जो है हो सकती है। सो ये है आपके रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस। आई होप कि आपको कॉज जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने कॉम्प्लिकेशन की तरफ। इसकी कोई ऐसी पैथोलॉजी की बात करें तो कोई ऐसी इसकी पैथोफिजियोलॉजी है नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड हो। आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो इन दी वेन्स दैट विल लीड पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो, एंड फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन दी वेन्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन दी वेन्स एंड दैट विल लीड स्वेलिंग, स्वेल वेन्स, ट्विस्टेड वेन्स, ठीक है, एंड पेन इन वेन्स। सो ये छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी, आप कॉज अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। सो मैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप उसको खुद लिखेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो अल्सर हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, अल्सर कैसे हो सकता है कि जहाँ पर भी स्किन में वेरिकोज वेन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, जब पेन होगा तो वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट ब्लड क्लोट्स बन सकते हैं। ठीक है, मीन्स थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी हो सकता है बिकॉज वहाँ पे ब्लड जो है इकट्ठा हो रहा है, जिस ब्लड को वापस चले जाना चाहिए आपका हार्ट की तरफ वो नहीं जा रहे हैं ना, या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड का प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्लोटिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर जो वेरिकोज वेन है बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, अगर जो वेन है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगी तो अगर वो बर्स्ट हो जाए तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आगे हो सकती है। सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़े, हमने पढ़ा एक तो उसको हो सकता है क्या, अल्सर। ठीक है, एक उसको हो सकता है ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन हो सकता है उसके अंदर, एंड विद डैट क्या हो सकता है उसको, उसको हो सकता है ब्लीडिंग। ठीक है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों, बिकॉज वेन्स अगर रप्चर हो जाएंगी तो दैट विल लीड इंटरनल ब्लीडिंग विच कैन लीड मैनी कॉम्प्लिकेशंस फर्दर। सो नेक्स्ट हम करेंगे इसके प्रिवेंशंस, क्या क्या प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं। सो पहला तो है कि पेशेंट को बोलना है एक्सरसाइज के लिए, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट हम उसका वेट रेगुलर चेक करेंगे। ठीक है, पेशेंट का रेगुलर वेट चेक करना है, उसको हाई फाइबर डाइट देना है एंड लो सॉल्ट डाइट देना है। लो सॉल्ट डाइट क्यों देना है, बिकॉज लो सॉल्ट डाइट देंगे तो हम उसको सोडियम कम देंगे एंड सोडियम की वजह से जो है बॉडी में ओडीमा हो जाता है ना, अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो वो वाटर को रिटेन करने लग जाएगा तो ओडीमा कॉज करता है। तो अगर हम उसको लो सोडियम डाइट देंगे तो पेशेंट को ओडीमा भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम उसको अवॉइड करेंगे हील्स एंड टाइट। ठीक है, टाइट क्लोथिंग के लिए हम उसको अवॉइड करेंगे, एलिवेट करेंगे उसका लेग सोते वक्त या फिर उठते वक्त, बैठते वक्त सॉरी, उसको हम बोलेंगे कि अपने पैरों को ऐसे लटका के ना रखें एंड अपने पैरों के नीचे सोते वक्त पिलो लगा ले। ठीक है, एलिवेट कर देंगे उसके लेग को। नेक्स्ट उसका जो सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन है, एक ही पोजीशन में नहीं रहना है उसको, उसको रेगुलर अपना पोजीशन जो है चेंज करते रहना है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे, बट फिर भी हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेन है वो आपकी डार्क पर्पल कलर की वेन हो जाएगी। ठीक है, एंड वो ट्विस्टेड होगी, ये तो हमने बात कर ही ली है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ बल्जिंग। ठीक है, जो वेन है वो बल्जिंग फॉर्म में दिखाई देगी। नेक्स्ट वेन, वेन पेनफुल साइंस एंड सिम्टम आकर दे में इंक्लूड। ठीक है, क्या हो सकता है,
उसको हैवी फीलिंग हो सकती है लेग में, मीन्स बहुत भारी भारी लगेगा उसको अपना पैर, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, एंड उसको जो पेन है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, अगर वेरिकोज वेन है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर वो बहुत देर तक खड़ा रहे या बहुत देर तक बैठे रहेगी पोजिशन में तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, उसको ईचिंग हो सकती है, एंड स्किन का डिसकलरेशन हो सकता है अराउंड द वेरिकोज वेन्स, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि आपको वेरिकोज वेन वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है कि इसको बोलना है सेल्फ केयर करने के लिए, जैसे कि इसको हमने बोल दिया एक्सरसाइज करे, वेट को लूज़ करे अपने, ठीक है, टाइट क्लोथिंग नहीं पहनना है, अपने पैरों को एलिवेट करके रखना है, एंड लॉन्ग टाइम तक खड़े नहीं रहना है, बहुत देर तक बैठ के नहीं रहना है, मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है, एंड पेन को दूर करने के लिए आप उसको हॉट एप्लीकेशन या फिर कोल्ड एप्लीकेशन भी आप उसे दे सकते हैं ना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वगैरह ये उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म स्कलन थेरेपी फॉर अ लार्ज वेंस के लिए हम दे सकते हैं, एंड लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं, एम्बुलेटरी फैलिबेक्टमी कर सकते हैं, दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, एंड एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी भी हम उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर नर्सिंग स्टूडेंट, सो हम नर्सिंग मैनेजमेंट हमें लास्ट में लिखना ही लिखना है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना ही लिखना है। तो पहले तो हम उसको बोलेंगे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज कराना है पेशेंट को, उसका वेट मैनेज करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, वॉच करना है कि वो क्या कपड़े पहन रही है, मीन्स टाइट कपड़े उसको नहीं पहनाने हैं, उसके लेग को एलिवेट करना है, ठीक है, क्रॉस लेग करके उसको नहीं बैठने देना है, उसको रेगुलर हेल्थ के प्रिकॉशंस के बारे में बताना है, ड्रग्स देना टाइम पे उसको जो है ड्रग्स देनी है, एंड द लास्ट व्हाट डॉक्यूमेंटेशन करना है लास्ट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ना वो भी वेरिकोज वेन से कुछ कुछ रिलेटेड है, सो आप उसको भी जा कर के देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई बटन आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आई बटन हो तो आप वहाँ पर भी जा कर के डीप वेन थ्रोम्बोसिस का वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिकोज वेन्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ आया हो तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप समझ पा रहे हैं मेरे लेक्चर को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर में क्या चेंजेस चाहिए, सो आप वहाँ पर कुछ भी बता सकते हैं मुझे। इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू डिसलाइक यू कैन ऑल्सो टेल मी देयर, एंड या मोर फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।